हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे ये स्टेयर केस वायरिंग कैसे करते हैं। दो दो स्विचों द्वारा एक बल्ब को ऑन ऑफ करना भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम यह नहीं कि हम दो बल्ब दो स्विच लगाएंगे और एक बल्ब एक स्टेयर के नीचे नीचे फर्स्ट स्टेप पे लगा होगा, एक लास्ट स्टेप पे लगा होगा। इसमें किसी भी स्विच द्वारा आप इस बल्ब को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने नीचे से फर्स्ट स्टेप से सीढ़ी पे चढ़ना शुरू किया, आपने बल्ब ऑन किया और चढ़ के आप छत पे अपने चले जाते हैं, तो ऊपर वाले स्विच से आप लास्ट स्टेयर के लास्ट स्विच से ऑफ कर देंगे। और अगर ऊपर से आना है तो ऊपर पे इससे ये लास्ट वाले स्विच से जो अपर पे लगा है उससे ऑन कर देंगे, नीचे सीढ़ी से उतरने के बाद ऑफ कर देंगे, ताकि लाइट बिना वजह ना जलती रहे। तो ये स्विच जो लगे होंगे, दोनों स्विच, एक तो स्टेयर के फर्स्ट स्टेप पे लगा होगा, एक लास्ट स्टेप पे लगा होगा, और इन दोनों स्विच में से किसी भी स्विच से इसको ऑन किया जा सकता है, ऑफ किया जा सकता है। इसका प्रयोग स्टेयर केस वायरिंग में होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बता देते हैं कनेक्शन कैसे होंगे। इसमें दो टू वे स्विच लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा दो टू वे स्विच है, इसमें तीन टर्मिनल है, इसमें भी तीन टर्मिनल है, और ये एक मेरा बल्ब होल्डर है। इसमें हमने दो वायर एक वायर इसमें लगाया है, एक वायर इसमें लगाया है। तो अब इसमें कनेक्शन कर देते हैं फ्रेंड्स। इसमें दो वायर ले लेंगे, ये दो वायर है, आपको जितनी दूर लगाएंगे उतना। ये तो भैया वीडियो बनाने के लिए दिखा रहे हैं आपको, छोटे छोटे मैंने तार ले लिए। आपको इसको फर्स्ट स्टेप, एक को फर्स्ट स्टेप पर लगाना है स्टेयर के, एक लास्ट स्टेप पर लगाना है। तो ये जोड़ देते हैं, एक तार को अपर पे जोड़ेंगे, दोनों स्विच के अपर पे जोड़ेंगे, एक तार को नीचे लोअर टर्मिनल पे जोड़ेंगे। तो पहला तार जोड़ देते हैं इसको, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देंगे। इसको ऊपर वाले पे लगाया टर्मिनल पे पहले स्विच के, इसी तरह दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा देंगे इस वायर को। ये मैंने टाइट कर दिया फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड। अब एक दूसरे तार को लगा देते हैं, इसको नीचे लोअर टर्मिनल पे लगाएंगे, नीचे वाले टर्मिनल पे लगाएंगे। ये फ्रेंड्स मैंने लगा दिया, नीचे वाले टर्मिनल पे लगा दिया। आप इसको टाइट कर लीजिएगा जो भी पेच है। ऊपर वाला ऊपर वाले स्विच पे लगा हुआ है, ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा हुआ है, इसी तरह नीचे वाला तार नीचे वाले टर्मिनल पे लगा देंगे दूसरे स्विच के। ये नीचे वाला वायर इस स्विच के भी नीचे टर्मिनल पर लगाए, इस स्विच के भी नीचे टर्मिनल पर लगाए, ऐसे ही ऊपर वाला तार दोनों स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर लगाए। इसको लगा देते हैं फ्रेंड्स, ये लगा दिया फ्रेंड्स। अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद ये हमारा जो ये बल्ब है, बल्ब के एक तार को हम यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं मिडिल टर्मिनल पे। देखिए मिडिल टर्मिनल पे लगा दिया, मिडिल टर्मिनल पे लगा दिया है इसको। अब फ्रेंड्स एक सप्लाई वायर लेंगे, यहाँ पर देखिए सप्लाई वायर है मेरा, ये सप्लाई वायर है, रेड वाला फेस का है, ब्लैक वाला न्यूट्रल का है। अब ये मैं फेस वाले वायर को इस स्विच के मिडिल टर्मिनल पे लगा देंगे। मैंने लगा के टाइट कर दिया, स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देंगे। ये फ्रेंड्स से मेरा तपाड़िया का टेस्टर है, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ही मजबूत होता है, इससे आप स्क्रू ड्राइवर का भी काम कर सकते हैं और ये टेस्टर का भी काम करता है, जो कि नॉर्मल टेस्टर जो होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स से मैंने ये सप्लाई वायर का फेज इस टर्मिनल के मिडिल टर्मिनल, इस स्विच के मिडिल टर्मिनल पर लगा दिया। बचा निगेटिव, निगेटिव वाला तार को मैं इस बल्ब होल्डर के एक तार पर लगा दूंगा। एक तार इधर मिडिल पे कनेक्ट है इसका, बल्ब होल्डर का, एक यहाँ मिडिल पे कनेक्ट है, और न्यूट्रल वाला तार इस बल्ब होल्डर के एक इस टर्मिनल पे कनेक्ट हो गया, और फेज़ वाला यहाँ पे लगा हुआ था बीच में मिडिल टर्मिनल पे। ये फ्रेंड्स हमारा कनेक्शन पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स जो जॉइंट्स है ओपन है, जैसे यहाँ पर ओपन है, इस पर आप टेप लगाएंगे इलेक्ट्रिकल, ताकि शॉक ना लगे। ये मेरे कनेक्शन हो गए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बता दिया। अब मैं इसमें बल्ब लगा के आपको दोनों स्विच से ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। इसको ऊपर पलट देते हैं ताकि स्विच को ऑन ऑफ किया जा सके। ये देखिए मैंने लगा दिया। अब मैं इस बोर्ड पे सप्लाई देने जा रहा हूँ, सप्लाई दे के आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसमें मैंने सप्लाई दे दी है, अब मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। मैं इस स्विच से मैंने ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया, इस स्विच से ऑफ कर दिया।
ऑफ कर देता हूँ, ऑफ हो गया। अब इस स्विच से ऑन कर देता हूँ, इस स्विच से ऑफ कर देता हूँ। फ्रेंड्स मान लीजिए ये वाला स्विच, दो में से एक को फर्स्ट स्टेप पे लगा देंगे स्टेयर के, दूसरे पे को लास्ट स्टेप पे लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने नीचे से चलना शुरू किया, इसको ऑन कर दिया, लाइट जल गई, इसको बीच में लगा दिया स्टेयर पे कहीं ताकि अंधेरा ना रहे, और ऊपर चढ़ के मैं छत पे जाना है मुझे, तो मैं छत पे जाके मैं इस स्विच से ऑफ कर दूंगा। अब ये लाइट ऑफ हो गई, गैलरी की लाइट ऑफ रहेगी। जब वापस उतरना होगा या फिर दूसरे आदमी को फिर वापस नीचे से ऊपर चढ़ना होगा, तो ये ऑन कर दिया। अब यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद ऑफ कर देंगे, इधर से ऑन कर देंगे, इधर से ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से इस आप सर्किट को बना के लगा सकते हैं स्टेयरकेस के लिए, या इसको दूसरा नाम ये भी है कि यह दो स्विचों द्वारा एक बल्ब को कंट्रोल करना है, एक बल्ब को ऑन ऑफ करना।